नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम LS-RSI के बारे में, यानी कि सिग्नल लैंप। RSI ब्लॉक का जो सिग्नल लैंप है जो लोको पायलट डेस्क पर लगा हुआ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और जो वीडियो आपको देखना हो देखिए। वीडियो देखने के बाद में कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मुझे मालूम चले कि आप देख रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज अच्छा हो और ट्रबल शूटिंग करने में आपको मदद मिले, इस प्रकार फेलियर को हम कम कर सकते हैं। मैंने एक ऑडियो की एक ऐप है, ऑडियो ऐप खबरी ऐप, उसका नाम है खबरी। तो आप गूगल के प्ले स्टोर में जाके खबरी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और वहां पर भी मुझे फॉलो कीजिए। वहां पर भी मेरा नाम डांगी सर वडोदरा के नाम से ही है। और वैसे मैं खबरी ऐप की एक लिंक जो है इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां क्लिक करके भी खबरी ऐप पर जा सकते हैं। खबरी ऐप में मैं ऐसे ऑडियो डालता हूं जो यूट्यूब पर नहीं होते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो आइए देखते हैं LS-RSI लैंप के बारे में। जब ये गाड़ी नॉर्मल चलती है तो पायलट लैंप कोई भी प्रकाशित नहीं होने चाहिए, सभी पायलट लैंप बुझे हुए होने चाहिए। लेकिन LS-RSI प्रकाशित हुआ मतलब कोई कोई गड़बड़ है, कोई भी पायलट लैंप प्रकाशित हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा समझना चाहिए। तो LS-RSI, ये RSI ब्लॉक का पायलट लैंप है तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है RSI ब्लॉक पर। यह कब प्रकाशित होता है इसको पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब RSI ब्लॉक के अंदर कोई भी टेल फ्यूज मेल्ट होता है, टेल फ्यूज मेल्ट होता है, टेल का मतलब है कहानी कहना। तो ये टेल फ्यूज क्यों मेल्ट होता है इसका भी एक कारण है। जब RSI ब्लॉक के अंदर, ये जैसे RSI ब्लॉक है, यहां पे बड़े बड़े फ्यूज होते हैं, उनको बोलते हैं मैन फ्यूज। उस मैन फ्यूज में से कोई फ्यूज मेल्ट होता है तो उसका इंडिकेशन टेल फ्यूज इंटरलॉक जो यहां पर लगता है, और ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और ये फ्यूज मेल्ट हो गए, इसका इंटरलॉक LS-RSI प्रकाशित होता है। इस प्रकार ये LS-RSI प्रकाशित होता है। तो मेन प्रॉब्लम कहां हुई है, RSI ब्लॉक के अंदर मेन फ्यूज मेल्ट हुआ है, वो हमको दिखता नहीं है, अंदर लगा हुआ है। अगर ये फ्यूज मेल्ट कब होता है, जब कोई खराबी होती है तब। तो इस खराबी को हम यहां ड्राइवर डेस्क पर देखते हैं और टेल फ्यूज RSI ब्लॉक की दीवार पर लगा हुआ है। तो ये टेल का मतलब कहानी कहता है, ये फ्यूज ये बताता है मेल्ट होकर कि RSI ब्लॉक के अंदर कोई मेन फ्यूज मेल्ट हो गया है। तो अब यहां पे हम गए, कभी भी फ्यूज मेल्ट होता है LS-RSI प्रकाशित, तो हम जाकर देखेंगे ओ टेल फ्यूज मेल्ट हो गया है। तो वहां पे टेल फ्यूज को चेक करेंगे, वहां भुजाएं बनी होती है, इस प्रकार भुजाएं, ये भुजाएं, इसको एक भुजा बोलते हैं, दूसरी भुजा बोलते हैं। तो एक भुजा में एक टेल फ्यूज, जैसे ये टेल फ्यूज है, ऐसे ऐसे लगे होते हैं या माइक्रो स्विच रहते हैं, तो इसमें से कोई भी एक फ्यूज मेल्ट हुआ। कैसे मालूम पड़ेगा कोई फ्यूज मेल्ट हुआ, यहां पे जो माइक्रो स्विच होगा ये उसको ऊपर उठा, लाल कलर का माइक्रो स्विच होता है, वो ऊपर निकल जाता है, उसके इंटरलॉक से ये प्रकाशित होता है, तो वो उठा हुआ आपको दिखेगा। तो अगर एक ही टेल फ्यूज मेल्ट हुआ है तो उसको निकाल देंगे और नॉर्मल गाड़ी चलाएंगे। लेकिन एक ही भुजा में दो फ्यूज मेल्ट हो गए, जैसे ये भी हो गया ये भी हो गया, तो उस RSI ब्लॉक को हमें आइसोलेट कर देना पड़ेगा। ये भी भुजा ये भुजा, इन दोनों में एक एक दोनों में हुआ तो कोई चिंता नहीं है, इसमें दो हो गया तो भी RSI ब्लॉक आइसोलेट करेंगे, इसमें दो हो गया तो भी, एक साथ एक भुजा में दो फ्यूज मेल्ट नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फ्यूज क्यों मेल्ट होते हैं, कोई इनको खराबी हुई है इसलिए ये मेल्ट हुए, इसलिए हम RSI ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे। एक फ्यूज मेल्ट होता है तो चला सकते हैं, ठीक है। तो ये भुजा वाला आपको समझ में आ गया। अब कोई कोई RSI ब्लॉक ऐसे होते हैं, इस प्रकार की भुजाएं और टेल फ्यूज जो लंबे वाले होते हैं वो नहीं होते हैं, और इस प्रकार LED होती है, LED, छह LED, और यहां पे टॉगल स्विच लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये छह LED वाले अगर RSI ब्लॉक हैं और एक ही RSI ब्लॉक में एक LED प्रकाशित होती है, जैसे माना ये LED प्रकाशित हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस RSI ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि छह ही LED है सिर्फ, तो उस ब्लॉक कोई भी LED, एक भी LED प्रकाशित हो गई तो उस RSI ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, और फिर आइसोलेट करने पर जो सावधानी है वो सावधानी रखते हुए गाड़ी चलाएंगे TLC को सूचित करके। किसी किसी RSI ब्लॉक में क्या होता है,
या तो 14 एलईडी होती है, एलईडी 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 या तो 14 होती है या फिर 18 एलईडी होती है, तो दोनों का ट्रबल शूटिंग एक जैसा ही है। तो कोई भी एक एलईडी प्रकाशित होती है तो वहां पे अगर टॉगल स्विच दिया हुआ है तो उसको ऑपरेट कर देंगे, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एलईडी को प्रकाशित रहने देंगे और नॉर्मल गाड़ी चलाते रहेंगे आरएसआई ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए, उसका काम चेक करते हुए, यानी कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर यहां पे एक एलईडी प्रकाशित होती है टॉगल स्विच तो ऑफ करेंगे गाड़ी चलाएंगे, और टॉगल स्विच नहीं है तो उस आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे। यदि दोनों आरएसआई ब्लॉक में एक एक एलईडी प्रकाशित होती है तो भी कोई चिंता नहीं है, जैसे आरएसआई, ये आरएसआई 1 है और आरएसआई 2 है, तो यहां भी एक एलईडी प्रकाशित हुई है यहां भी, तो भी कोई चिंता नहीं है, नॉर्मल गाड़ी चलाते रहेंगे। लेकिन किसी में दो एलईडी प्रकाशित हो गई, ये और ये दोनों एलईडी एक साथ प्रकाशित हो गई है, तो फिर इस आरएसआई ब्लॉक में कोई भी एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, दो एलईडी अगर प्रकाशित होती है तो उस आरएसआई ब्लॉक से संबंधित एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करके हम लोड को कम कर देंगे। यहां भी दो हो गई, यहां भी दो हो गई, तो भी कोई चिंता नहीं है, इसमें भी एक टीएम आइसोलेट कर देंगे, इसमें भी एक टीएम आइसोलेट कर देंगे, नॉर्मल गाड़ी चलाते रहेंगे, टीएलसी को सूचित कर देंगे। अगर किसी आरएसआई ब्लॉक में एक साथ तीन एलईडी प्रकाशित हो गई या चार हो गई, यानी कि दो या दो दो से अधिक, मतलब दो से अधिक एलईडी प्रकाशित हो गई है, तो उस आरएसआई ब्लॉक को फिर आइसोलेट कर देंगे और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे। तो यहां पे 6 और 14 या 18 का ध्यान रखना है, यानी यूं कह सकते हैं कि 6 एलईडी वाला और 6 से अधिक एलईडी वाला, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो 6 एलईडी वाले में खतरा है, एक भी एलईडी अगर प्रकाशित होती है तो उस आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, और 6 से ज्यादा एलईडी वाला आरएसआई ब्लॉक है, एक प्रकाशित होती है तो कोई चिंता नहीं, दो होती है तो एक एक टीएम आइसोलेट कर दीजिए, और दो से ज्यादा होती है तो उस आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और टेटेल फ्यूज वाले में एक फ्यूज मेल्ट होता है तो कोई चिंता नहीं, उस फ्यूज को लेकिन निकाल देना है आपको, अगर उसको आपने नहीं निकाला तो एलएस आरएसआई एक बार प्रकाशित ही है, दूसरा फ्यूज मेल्ट होगा तो हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा, इसके लिए उस फ्यूज को निकाल देना जरूरी होता है, ताकि माइक्रो स्विच उसका ऑपरेट जो हो रहा है वो बंद हो जाए और एलएस आरएसआई बुझ जाए, अब दूसरा फ्यूज पिघलेगा तो फिर वापस वो प्रकाशित हो जाएगा, इसलिए निकालना जरूरी है। तो जब भी कोई फ्यूज मेल्ट होता है, एक होता है, तो उसको निकाल देंगे और सामान्य रूप से ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएंगे। अगर दो फ्यूज मेल्ट होते हैं तो उस आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे। आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट करने की विधि का ध्यान रखेंगे, डीजे ओपन करके ही एचवीएसआई 1 या जो संबंधित स्विच है एचवीएसआई, एचवीएमटी और एचवीएसएल को जीरो पर रखकर आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद वापस डीजे क्लोज करके जो प्रतिबंध है उसके हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, लॉग बुक में दर्ज करेंगे, टीएलसी को सूचित करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये आपको टेल फ्यूज से संबंधित और एलईडी से संबंधित बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, कंफ्यूजन नहीं हो तो भी कमेंट में लिख अवश्य बताएं, और उस खबरी ऐप पे मुझे फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।